दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट में आप अपना डबल मंजिल यानी कि फर्स्ट फ्लोर डबल स्टोरी का मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 800 स्क्वायर फीट के फर्स्ट फ्लोर को बनवाने में अपना कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपये का लगेगा। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि अपने 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट में डबल स्टोरी के मकान में कितने कॉलम आएंगे और उस कॉलम में कितना सरिया अपना लगेगा, तो बीम कितना बनेगा कि उसमें कितना सरिया लगेगा, साथ ही साथ दोस्तों 800 स्क्वायर फीट के स्लैब यानी छत में कितना सरिया अपना लगने वाला है। दोस्तों अगर 800 स्क्वायर फीट की लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें दोस्तों, तो ये प्लाट जैसे कि अपना 800 स्क्वायर फीट का है, लंबाई चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो हम इसको 40x20 के हिसाब से डेकोरेशन कर लेते हैं। आपका जो प्लाट है चाहे उसका साइज़ जो भी हो, लेकिन दोस्तों अपने को क्षेत्रफल आना चाहिए 800 स्क्वायर फीट का, जो कि दोस्तों हमारे 40x20 में होता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अपना जो 800 स्क्वायर फीट का ये प्लाट है इसमें कुल कितने खड़े कॉलम आ जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 4 इस लाइन में और फिर 4 इस लाइन में, यानी कि कुल ही 12 खड़े कॉलम में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12 यहाँ लिख देते हैं। अब दोस्तों अपने को जो कॉलम का लेंथ रखना होता है, जैसे कि अगर डबल स्टोरी का मकान बना रहे हैं तो ज़्यादा लेंथ हम रखेंगे नहीं, 9 फीट या फिर 10 फीट इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि दोस्तों बनेगा 120 फीट। यानी कि दोस्तों 800 स्क्वायर फीट के जो टोटल अपने कॉलम बन रहे हैं उसकी लेंथ बन रही है दोस्तों 120 फीट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप बीम, यानी कि दोस्तों जैसा कि अपना ब्रिक वर्क हो जाएगा, दीवार अपनी बन जाएगी, उसके बाद दोस्तों अपना टॉप बीम प्रोवाइड करेंगे जिसको हम छत बीम के रूप में भी देखते हैं, तो वो कितना बन रहा है देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों 40 फीट का एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, यानी 40 फीट के दोस्तों 3 बन रहे हैं और 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 120 फीट। प्लस करते हैं 20 फीट का, दोस्तों एक ये बन रहा है, 2, 3, 4 20 चौके 80 फीट ये हो जाता है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो बनेगा दोस्तों 200 फीट। अब दोस्तों होता क्या है कि जिस ओर दरवाज़ा होता है, खिड़की होता है या फिर जिस ओर अपना मेन रास्ता होता है दोस्तों अपने प्लाट का, उस ओर दोस्तों हम इस प्रकार का 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं, ठीक है, अपने डबल स्टोरी पे। तो इस स्थिति में थोड़ा दोस्तों जो टॉप बीम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, कितना बढ़ेगा जैसे कि 3 फीट का छज्जा निकाल रहे हैं, 3-3 फीट बढ़ जाता है, जैसे कि 1, 2, 3 3-3 फीट का 3 बढ़ेगा तो दोस्तों 9 फीट हम इसमें जोड़ लेते हैं, बन जाता है दोस्तों अपने पास 209 फीट। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अपना जो छत है वो कितना स्क्वायर फीट बन रहा है 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट में। तो जैसे कि दोस्तों ये तो अपना प्लाट है 800 स्क्वायर फीट का 20x40 के हिसाब से जैसे कि हमने कर रहे हैं, और ये 3 फीट का छज्जा जैसे कि मैंने आपको बताया है इस प्रकार से 3-3 फीट का छज्जा भी निकालते हैं तो अपना होता क्या है प्लाट से थोड़ा छत बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है देख लेते हैं। तो दोस्तों अब ये जैसे कि 3 इसमें ऐड कर लेते हैं तो बन जाता है दोस्तों 43, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 20 से तो बनेगा दोस्तों अपने पास इसका जो छत है वो 860 स्क्वायर फीट का, 860 स्क्वायर फीट अपना छत बन रहा है, कॉलम बन रहा है 120 फीट, टोटल टॉप बीम बन रहा है दोस्तों 209 फीट। अब दोस्तों इसमें कितना सरिया लगता है एक बार देख लेते हैं, तो उससे पहले इसको हम जोड़ भी लेते हैं। तो दोस्तों टॉप बीम और कॉलम को जोड़ेंगे तो बनेगा दोस्तों इसमें अपना 329 और प्लस दोस्तों इसमें हम 11 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं जिससे कि दोस्तों अपना जो सरिया है वो कम ना रहे, तो बन जाता है दोस्तों 340 फीट टोटल अपने कॉलम और टॉप बीम बन रहे हैं 340 फीट। अब दोस्तों जैसा कि आपने मकान बना रखा है आपको ध्यान में है कि एक कॉलम हो या फिर बीम हो जिसमें दोस्तों हम 6 छड़ अपनी जो सरिये की हम लगाते हैं, ठीक है, 6 छड़ लगाते हैं इसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 12 mm का 4 छड़ और 10 mm का 2 छड़ के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसको हम सरल भाषा में आपको समझाऊँ तो 340 फीट जैसे कि अपने लेंथ वाला एक ही बड़ा सा बीम अपना बन रहा है, ठीक है, अगर सरल भाषा में उसको हम समझते हैं तो 340 फीट अपना एक लंबा सा बीम बन रहा है, इसमें दोस्तों हम 4 सिरे लगा रहे हैं 12 mm के, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है दोस्तों इसमें अपना 1360 फीट की 12 mm की, और 40 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि दोस्तों अपना एक रोड आता है वो 40 फीट का आता है तो नग निकल के आ जाता है तो डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा अपने पास 34 नग। यानी कि दोस्तों 340 फीट कॉलम बीम के लिए अपने को 34 नग स्टील की अवस्था पड़ने वाली है 12 mm की। अब दोस्तों जैसा कि 2 छड़ हम लगा रहे हैं 10 mm की तो 340 फीट जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा दोस्तों इसमें अपना 180 फीट दोस्तों अपने को इसमें 10 mm का सरिये की अवस्था पड़ने वाली है, वापस से डिवाइड कर देते हैं 40 से तो बन जाता है दोस्तों ये अपना 17 नग, यानी कि 17 नग स्टील की अवस्था पड़ने वाली है 10 mm की।
अब दोस्तों ये तो हो जाता है नग, अब उसका आगे वेट भी देखेंगे। उससे पहले दोस्तों रिंग का सरिया भी देख लेते हैं कि रिंग का सरिया है वो कितना लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों 340 फीट अपना लंबा सा एक बीम है जैसे कि हम समझ रहे हैं, तो इसमें जो अपना रिंग बनेगा दोस्तों वो लगभग 400 लगभग रिंग अपना बन जाता है। ठीक है, 400 रिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है अपने 340 फीट बीम के लिए। और दोस्तों एक रिंग जो अपनी बनती है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 8 mm सरिये का, और 400 रिंग हम बना रहे हैं, और एक रिंग को बनाने में हमारे जो स्टील की आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों वह बनती है 34 इंच की। 34 इंच अपने को स्टील की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों एक रिंग को बनाने के लिए, और 400 का 34 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये बन जाता है 13,600। वापस से डिवाइड करेंगे दोस्तों 12 इंच से, क्योंकि दोस्तों ये इंच में है, और 12 का इंच से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये फीट में निकल के आ जाता है, जो कि बनेगा अपने पास 33 फीट। 1133 फीट टोटल बन रहा है। वापस से इसमें डिवाइड करेंगे 40 से तो ये नग निकल के आ जाता है, तो ये नग निकलेगा दोस्तों 28 नग, और इसको हम राउंड फिगर में 30 नग कर देते हैं। ठीक है, तो 30 नग दोस्तों अपने 8 mm सरिये लग रहे हैं। अब दोस्तों हम इसको जोड़ लेते हैं, उससे पहले दोस्तों हम छत का भी जो सरिया है वो देख लेते हैं कि छत में कितना सरिया लगेगा। तो जैसे कि दोस्तों अपना तो छत बन रहा है 860 स्क्वायर फीट, और इसमें जो अपने स्टील की अगर बात करें और mm की अगर बात करें तो 10 mm का सरिया हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो और इसमें जो सरिया लगेगा 10 mm का वो अब लगेगा अपने इसमें 86 नग दोस्तों अपना सरिया लगेगा स्लैब में छत में। ठीक है, अब इसको एक जोड़ लेते हैं, तो 12 mm का तो हो रहा है दोस्तों अपने 20 नग, और 10 mm का बन रहा है दोस्तों 17 नग तो अपने कॉलम बीम के लिए, और 86 नग दोस्तों अपने स्लैब में छत के लिए, तो ये बन जाता है दोस्तों अपने पास 103 नग। ठीक है, और रिंग का सरिया है जो कि 8 mm का है वो बन रहा है दोस्तों 30 नग, 30 नग यहाँ लिख देते हैं। अब दोस्तों इसका हम कर लेते हैं वेट से मल्टीप्लाई, जो कि दोस्तों 12 mm का अगर एक रोड की बात करें तो उसमें 10 किलो का वजन आता है, तो गुणा करेंगे तो 3 क्विंटल 40 किलोग्राम दोस्तों अपने को चाहिए 12 mm का सरिया, और 10 mm का जो एक रोड आता है उसमें वजन लगभग आता है 7 किलो का, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 7 क्विंटल 21 किलोग्राम 10 mm का सरिया। रिंग का सरिया दोस्तों एक जो रोड आता है 8 mm का, उसमें आता है वेट 5 किलो का, जो कि दोस्तों 150 kg बनता है। तीनों को जोड़ते हैं तो बनेगा दोस्तों अपने पास 12 क्विंटल 11 किलोग्राम। टोटल अपना ये सरिया लग रहा है अपना 800 स्क्वायर फीट के डबल मंजिल का अगर हम कार्य करवा रहे हैं। भाव चल रहा है दोस्तों अभी जो अगर मोयरे सरिया की बात करें दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, तो उसका रेट चल रहा है दोस्तों 63 रुपये पर किलो के हिसाब से। इससे थोड़ा कम रेट का भी आता है, थोड़ा ज़्यादा रेट का भी आता है, वो अलग अलग कंपनी पर वो डिफरेंस देखने को मिलता है। 63 के भाव से दोस्तों इसका हम गुणा कर देते हैं, जो कि दोस्तों समझ के चलिए आप, आपका जो 800 स्क्वायर फीट का डबल मंजिल का मकान बना रहे हैं तो उसमें 76,233 रुपये का आपके इसमें सरिया लगने वाला है। मतलब दोस्तों जैसे कि अपने को पत्ते तार की व्यवस्था पड़ती है, काला तार रहता है उसकी, तो राउंड फिगर में मान के चलिए लगभग आपके 80,000 रुपये का टोटल सरिया बनने वाला है 800 स्क्वायर फीट के एक मकान को फर्स्ट फ्लोर को बनवाने में। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।